तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चूरन पर। मेरा नाम है पम्मी और आज हम कर रहे हैं व्लॉगिंग। अबे चुप करो भाई, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। व्लॉगिंग करिंग हार्ट का, ये देखो कितनी खतरनाक एडिटिंग कर रहा है इसने। यहाँ से की तोड़ दी है, देखो ये देखो की टूट चुकी है। और डब्ल्यू इसने यहाँ से की निकाल के वहाँ पर डब्ल्यू लगाया इसने। देख रहे हो ना क्या टूट के आजमा रहे हम। इसे कहते हैं एक नंबर की प्लानिंग। और दूसरी बात गाइस, मैं देख रहा हूँ हमारे व्लॉग एकदम कंसिस्टेंट लेवल पर आ रहे हैं। तो आप भी कंसिस्टेंट हो जाओ, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। जितने बंदे देख रहे हैं आप भी सब्सक्राइब करेंगे। पता ना लास्ट वाले व्लॉग में क्या खतरनाक मौसम था, और आज देख लो, ये देख लो बादल, दूर दूर तक सूरज है ही नहीं। अरे भाई नाश्ता अपना रेडी हो चुका है और हमारे यहाँ आज बने हैं आलू के पराठे। भाई सुपर सुपर टेस्टी लग रहे हैं यार मेरे को तो ये। पर आज गाइस हम फाइनली कर रहे हैं अपना हूवर वॉर। चुप कर, वो पिछले पता है पिछले एक वीक से ऐसे ही पैक पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे को हूवर वॉर करना था। तो ब्रांड न्यू हूवर से करेंगे हूवर वॉर। ये क्या वो साइलेंसर है भाई, ऐसी वैसी चीज नहीं है वो। वो गोल्ड अटैचमेंट भाई, ये भी गोल्ड का बना हुआ है वो भी। उसके बाद आता है ये थोर का हैमर। ये है ब्रश, थोर का हैमर नहीं है। थोर एवेंजर्स रेडी हो ना भाई, असेंबल। ये लो। घटिया पैकिंग कौन करता है यार, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी जगह भरी है कौन सी जगह खाली है। मेरे को कुछ समझाएगा, एक झाड़ू को चार्ज करने के लिए हमें दो चार्जर क्यों चाहिए। तो यार गाइस पूरी जिंदगी चीजें चार्जिंग करने में ही बीत रही है। कीबोर्ड चार्ज करो, माउस चार्ज करो, टूटियां चार्ज करो, हेडफोन चार्ज करो, लैपटॉप चार्ज करो, अब झाड़ू चार्ज करना मेरे को। तो ये देखो गाइस इसकी बैटरी एकदम से आधी हो चुकी है, अभी इसको चार्ज में डालने का रेडी हूं। मारो ने चार्जर को बांध कर रखा हुआ है। तो ये मैंने यहाँ से खोल लिया है और ये जाएगा यहाँ पर। चार्जिंग हो रही है ना इसकी, आई थिंक हो रही है भाई, उसकी बत्तियां तो चालू हो चुकी है। चार्ज है ये। तो यार गाइस लोग अपने व्लॉग में लंबोर्गिनी अनबॉक्सिंग करते हैं, हम झाड़ू ले रहे हैं। ओके गाइस, तो हमने अपना हुआ एकदम फुल ऑन चार्ज पे लगा दिया, बस अभी वेट करना है और देखना है कि ये कितनी देर में चार्ज होता है। और इन द मीन टाइम हमें बैटल करनी है, कैटल बैटल। आपको तो गाइस याद होगा कि लास्ट टाइम हमने दो कैटल लेकर रखी थी, हमें देखना कि कौन सी कैटल पानी जल्दी गर्म करती है। एक देख रहे हो इंटरनेशनल व्लॉग ऐसे ही होते हैं। अभी इसके अंदर मुझे पानी भरना है और अभी दूसरे वाले के अंदर भी पानी एकदम फुल कर देते हैं। तो दोनों के अंदर गाइस पानी आ चुके हैं और अब मुझे दोनों को एक ही टाइम पे एक्टिवेट कर रहा है। ये व्लॉगिंग होती है अपनी है, ये टेक चैनल रिव्यू चल रहा है, व्लॉगिंग चल रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो गाइस ये देखो चपाती भाई को लग रहा है हम यहाँ पर स्नाइपर टावर के ऊपर बैठे हैं। हम स्नाइपर टावर के ऊपर नहीं बैठे हैं भाई, जुपिटर दिख रहा है यहाँ से। वो जुपिटर नहीं भाई, वो पास के कबूतर होंगे। जुपिटर है कि नहीं? अच्छा है। तो उसके अंदर ऑलरेडी पानी उबलने वाला है गाइस, किसी सेकंड ये ऑटोमेटिकली ये बंद हो गई और ये अभी भी चल रही है। कम ऑन यार। तो हमारी विजेता है ये वाली कैटल जो कि एक्चुअली सस्ती पड़ी मेरे को। A few minutes later. तो फाइनली गाइस 30 सेकंड बाद इस वाले कैटल के अंदर पानी उबल चुका है और ये किसी भी सेकंड ये भी बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और ये लो, तो हमारी विजेता है सस्ती वाली कैटल। अब आप ये इन्फॉर्मेशन का पता नहीं क्या करोगे, मेरे को नहीं पता। तो गाइस गर्म पानी का तो मामला, पानी हमारा सेट हो चुका है और चाय बनाने का भी सामान में थोड़ा बहुत लेके आ चुका हूँ। तो इसके अंदर हम डालेंगे अपनी ग्रीन टी और इसको ऐसे ये बंद कर देंगे और इसको लगाएंगे बेल्ट के साथ। पोशन होता ना पोशन, छोटी छोटी बोतलें। और दूसरी वाले के अंदर जाएगी गाइस अपनी शुगर। भाई आपने चेक किया वो नमक तो नहीं है ना, पक्का शुगर ही है ना। इतने गधे भी नहीं है भाई हम। और ये बन गया गाइस अपना पोशन ऑफ कौन सा स्पीड। तो ये रहा गाइस अपना सबसे पुराने वाला हुवर। इसकी इतनी लंबी तार है कि मैं इस तार के ऊपर कपड़े सुखा सकता हूँ। भाई वो झाड़ू यूज करना खुद का ही एक वर्कआउट है। तो मेरा पहला राउंड सिंपल है, सबसे पहले मुझे इस झाड़ू से इस वाले कारपेट के ऊपर झाड़ू मारना है। okay. और बाद में मैं नए वाले झाड़ू से इसी कारपेट के ऊपर झाड़ू मारूंगा और देखता हूँ कि एक्चुअली गंद निकलता है कि नहीं निकलता। तो ये देखो गाइस इसकी बैटरी एकदम से फुल हो चुकी है और अभी इसके ऊपर जाएंगे अपने गोल्ड वाले अटैचमेंट्स। और इसके बाद भाई एकदम से स्नाइपर राइफल लग रही हैवी स्नाइपर। फाइनली उसके आगे जाएगा ये दूसरे वाला अटैचमेंट, ये क्विक मैग है, ये साइलेंसर है। और वो घूम रहा है देख ब्रो, ऑब्वियसली घूमेगा और उसके अंदर से लाइटें भी निकल रही है। वो रेड डॉट साइट है, वो देख आयरन साइट है वो देख। आई थिंक गाइस ये लेजर आपको एक्चुअली दिखा रही है कि डेट कहां पर है। अगर मैं यहां पर दीवार की पर मारूं, नाइस भाई लेजर साइट है ये तो। खतरनाक चल रहा है भाई। और कितनी आरामी से चपाती भाई यहाँ पर अपने न्यू हूवर टेस्ट कर रहे हैं। और ये देखो इतना सारा गन एक्चुअली में एक्स्ट्रा निकला। उस
इसका मतलब सिंपल है, ये हुआ थोड़ा बहुत पावरफुल है। अभी गाइस मेन प्रॉब्लम बताया गया जैसे हुआ की पुराने वाले की, इसकी प्रॉब्लम ये है कि मैं इससे कंप्यूटर साफ नहीं कर सकता, लेकिन इससे भाई कुछ भी साफ करवा रहे। नाइस भाई, एकदम खतरनाक अटैचमेंट है, दूर से कंप्यूटर साफ करने के लिए देखो। ये देख रहे हो ये सारी डस्ट, ये वाली साफ कर दो भाई, सबको साफ कर दो। और भाई एकदम चला गया, एकदम एक सेकंड में गायब हो गया। और अभी कहा जाता है साइंस के नाम पर थोड़ा बहुत आटा और थोड़ा सा सीरियल। अब ऑब्वियसली मेरे को पता है कि चीजें वेस्ट नहीं करनी होती, लेकिन मुझे चेक करना है कि अपना नया वाला हूवर एक्चुअली में पावरफुल है कि ऐसे ही उसका नाम है। तो मुझे थोड़ा बहुत डालना है फ्लोर के ऊपर कुछ इस तरह से, और सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे ये पुराने वाले हूवर के साथ। तो अभी आता है पहले वाला और वो उसको आगे कर रहा है भाई। क्या किया इसने, उठाया तो कुछ, क्या ये ट्रोल हो गया भाई। हम इसने अभी इसको उठाना है हाथ से, ये देख लो पुराने वाले हुवर के ये काम है। अभी थोड़ा सा और डालते हैं यहाँ पर नए वाले हुवर के लिए। अभी तेरे का लेकर उठा लेगा, अरे उठा लेगा भाई, डेफिनेटली उठाएगा। और अभी ओ भाई कितनी स्मूथ तरीके से उसने उठा लिया, एक ही बार में सब कुछ पचक गया, मेरे को वापस ऐसे ऐसे करना भी नहीं पड़ा। ओह माय गॉड, और ये देखो सारा अंदर पहुंच चुका है यहाँ पर। हालांकि हम पहले सफाई कर चुके हैं इस हुवर के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी भाई इतना सारा कचरा उसने उठा लिया। और अभी मेन फीचर इस हुवर का ये है कि इसको मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। अभी चलते हैं गाड़ी साफ करते हैं। अभी आती है गाइस दी मेन घड़ी, पूरा कारपेट खींच लिया उसने। और भाई नीचे देख रहे हो ना कितना सारा गन पड़ा हुआ है, तो कम ऑन सारा सबको धो दो भाई। ओके कहाँ पर, ओह यह ओके, ओ भाई एक ही सेकंड में वो साफ हो गया। भैया गाइस हमें मजबूरन आधी गाड़ी साफ करके वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि मैंने देख लिया भैया को आते हुए। उससे पहले कि भैया अपनी गाड़ी की चाबी दें और बोलें कि मेरी गाड़ी भी साफ कर दो, हम रफू चक्कर हो गए। और गाइस हुवर वॉर का विजेता है ये अपना नया वाला हुवर ऑब्वियसली। कम से कम ये तारे लपेटने से तो छुटकारा मिलेगा यार। और इस झाड़ू को एक और पॉइंट मिला, लेट्स गो। और वो मेरी भाई। और फाइनली गाइस सफाई करने के लिए सिर्फ ये देखा एकदम खाली, और फिर से अभी लोडिंग भाई वो सबमरीज नहीं है। और अभी गाइस आ चुका है दिन, खुल जा यार। अभी गाइस आ चुका है दी नेक्स्ट डे, बलेव नहीं कर रहे हो सुबह के 8 बज रहे हैं, ये 8 बजे है सुबह के। और सुबह का सबसे पहला काम हमको जाना होता है अखाड़े जिम। वैसे अगर देखा जाए गाइस तो सुबह सुबह जिम जाने का कोई फायदा नहीं है, बहुत नींद आ रही है यार। A few moments later. जिम का सेशन खत्म करने के बाद मैं आ चुका हूँ अपनी पार्किंग के एकदम टॉप वाले फ्लोर के ऊपर, और यहाँ से मुझे आपको नजारा दिखाना है। ये देखो भाई, ये देखो ये ब्रिज के उस पार अपना घर है, और सारा जो आप देख रहे हो थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाका है यहाँ पर, और वहाँ पर देखो क्या मस्त मस्त पहाड़ है वहाँ पर यार। और अगर इस तरफ जाके देखे तो यहाँ पर एक छोटी सी हमारी नदी बहती है, और ये नदी कनेक्ट करती है सीधा समंदर पर, और वो रहा ये बेसिकली ये अपना गाँव है, ये देख लो अपना गाँव अपना शहर। पार्किंग देख रहे हो एकदम GTA वाली फील मेरे को यहाँ पर आ रही है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे टायर वाले भैया के पास, मेरी गाड़ी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रही है। तो यार प्रॉब्लम क्या, एक टायर के अंदर तो हवा ही नहीं है, ये देख रहे हो गाइस, ये देख रहे हो टायर के अंदर हवा नहीं, फिर भी गाड़ी चल रही है अपनी। ओके तो मैंने गलती कर दी, आप ये मत करना प्लीज, ठीक है ये ट्राई मत करना, मेरे को पता नहीं था कि आज सुबह उठे इतनी ठंड हो रही है कि टायर के अंदर हवा जम चुकी है, बता आपको। और अभी गाइस दूसरी प्रॉब्लम मेरी गाड़ी के अंदर ये आ रही है कि हमारी गाड़ी के नीचे से आवाज आ रही है, जैसे कि हथौड़ा लेके गाड़ी को मार रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि हमें गाड़ी नीचे से दिखानी है और अभी उस रैम के ऊपर लेके जानी है। घुस जा। मेरे को लग रहा है नीचे से लंबोर्गिनी का इंजन लगाएंगे यहाँ पर। तो ये रही गाइस हमारी गाड़ी 2 फुट ऊपर हो चुकी है, और तू क्या पहिए चेक कर रहा है। तो ये रहेगा सबसे शहीद भाई टायर की पंचरी चेक कर रहे हैं, उनको लगता है टायर के अंदर पंचर है, शहीद भाई ने फॉल्ट निकाल लिया यहाँ पर। तो आज की वीडियो के टायर स्पॉन्सर करेंगे शहीद भाई, क्या मतलब है फ्री टायर नहीं दोगे मेरे को। तो गाइस अभी आगे वाला टायर हमें चेंज करवाना है, तो आगे वाला टायर चेंज हो चुका है, और यहाँ पर गाड़ी का जो रिम होता है ना, जो ये जो कैसे समझाऊं मैं आपको, ये जो लोहे वाला जो पार्ट होता है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा डेंट लगा हुआ है, तो उसको हथौड़ा लिटरली हथौड़ा मार के सीधा करना पड़ेगा इसको। अपनी गाड़ी का एकदम से रेडी हो चुकी है, और अभी चल के घर जाके नहा के मारेंगे देसी घी के पराठे। इतने का छोटे से ब्लॉग इतना काफी है, मेरे को तो बहुत मजा आया, और अभी जाके नहाना है, उसके बाद चिलिंग आपको तो पता है अपना डेली फंडा। और गाइस अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटा किसकी
क्यों क्यों वेट हो रही है भाई। और अगले वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपने जूते पेंट किए जाएं व्लॉग में। ओ कौन